शुरू से गड़बड़ किया और कंप्रेसी में साहब को जेल में डाला गया है, ना कि कोई लेन देन के है, ना लिखा पढ़ी है, कुछ नहीं है। चारों ओर से पूरा देश भर के लोग जो लोग हैं, बिहार के जनता जो विरोध में हम लोग के रहते हैं, वो लोग सब लोग संगठन बना के मिल के लालू यादव के जेल भेजवाने के केस करवाने के काम किया था। तो मुख्य सचिव जो जिला के रहते हैं, मुख्य सचिव हैं, डीएम हैं, ऐसी ये लोग की जिम्मेवारी होना चाहिए। तो वो सब छोड़ के लोग नीचे के छोड़ के ऊपर लोग सीधे मुख्यमंत्री पर अंगड़ी उठाने के लोग काम किया, जेल भेजवाने का काम किया। नाम है हम लोग को, नाम है कितना आदमी को नाम गिनाएगा आदमी। नीतीश कुमार के नाम था, शिवानंद तिवारी का नाम था, राधानंद झा के नाम था, राजू सिंह का नाम था, बहुत लोग के मैंने जदयू के सुशील मोदी का नाम था, सबके नाम था, बहुत लोग के नाम था, सब पार्टी के लोगों का नाम था। आई पुराना केस है, 1977 से ही हुआ था, जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोला था कि जांच हो नहीं ऊपर से। बाकी 90 के बाद जो हुआ है लालू जी के समय में, उस पर जांच हुआ ना कि 77 से जांच होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बोला हुआ है, कानून बनाया था सुप्रीम कोर्ट की, शुरू से जांच हो। अंजनी बाबू को हटाने की मांग आप लोग करेंगे? हम करेंगे, जरूर करेंगे, मांग करते हैं। कर दिया गया उनका नौकरी बढ़ा नहीं, बढ़ाया गया तो ठीक है, बढ़ा दिया गया ठीक है। बाकी इस पर जो आया है, जो रांची कोर्ट जो बोला है, तो उस पर तो लेना चाहिए। सिपाल जी जो माननीय न्यायाधीश हैं, उनको तो बोले हैं और नोटिस भी किए हैं वो लोग को, तो इस पर तो रिजाइन सरकार को करवाना चाहिए, इस पर जांच होना चाहिए, कार्रवाई भी होना चाहिए। राजभर जी का वो भी थी, उनका भी नाम है, सबको नाम है, इस पर आना चाहिए। देश और दुनिया देख रहा है कि किस तरह का जांच हो रहा है, सीबीआई का, ईडी हो चाहे कोई हो, किस तरह का बचाव करने का काम लोग कर रहा है। अंतर आत्मा जागेगा कि नहीं जागेगा तो आप लोग देखिए, देश के बिहार के जनता देखे, कहाँ गया उनका अंतर आत्मा, कहाँ गया, मर गया? खाली तेजस्वी पर हुआ था, अंतर आत्मा जागा था, कहाँ गया? शर्म आना चाहिए इस सरकार को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को शर्म आना चाहिए। नोटिस मिल गया तो बर्खास्त करना चाहिए। सवाल, जहाँ बीजेपी की सरकार बनी हुआ मूर्ति तोड़ फूटती जा रही है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत हो रहा, पूरा देश भर में फैला बीमारी, कलकत्ता में हुआ है, त्रिपुरा में हुआ है, सब जगह बीजेपी के आते आते दो विधायक के सरकार तोड़ फोड़ के बनाए बीजेपी की, नहीं मेघा में मेघालय बनाए ना, तो तब अत्याचार के सरकार है भाई, दंगाइयों के सरकार है, दंगाई तो करेबे करेगा पूरा देश भर में, आप लोग देखते रहिए। आप लोग का अंगड़ी उठाना चाहिए, बाकी आप लोग नहीं उठा रहे हैं, आप लोग डर गए हैं, लोग डर गए हैं। जो भी है कि हम हिंदू हैं, हमको ईद मनाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। तो उनको कानून पास करना चाहिए, सदन में लोकसभा से पास कराना चाहिए, जोगी जी को मानिए, जोगी जी को कानून पास कराओ, हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, क्या उनका मैंने क्या प्रमाण है कि वो हिंदू है, उनका बाप मातारी हिंदू है कि क्या है, प्रमाण क्या है, क्या प्रमाण है? तो कानून बनाना चाहिए, मुस्लिम का अलग है, हिंदू का अलग, कानून बनना चाहिए, हमारा यही कहना है। आवाज देखा जाएगा, समय आएगा तो देखा।